कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जनाब जिंदगी का सार बाकी है। लिखे हैं अभी चंद पन्ने, अभी तो लिखनी किताब बाकी है। जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया, और आज है किस डे, और हम उसे मनाएंगे अलग अलग तरीके से। अंदाज में। वो कैसे? तो हमारे यहाँ जब बच्चे की नज़र उतारी जाती है तो उसके माथे को चूमा जाता है, बालों को चूम कर हम कहते हैं टच वुड। तो आज अपने बच्चों को करेंगे, माथे को चूमेंगे और नज़र उतारेंगे उनकी, और यही होगा हमारा किस डे। अपने बच्चों को बचा के रखिए दुनिया की बुरी नज़रों से, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलती है कामयाबी, और वो बढ़ते हैं आगे और लोगों की नज़रें उन पर पड़नी शुरू हो जाती है। तो बचा के रखिए अपने अपने बच्चों को, और हम चूमेंगे उनका माथा बुरी नज़र से, टचवुड करेंगे उन्हें कि देखिए शीरो भी कर रहा है, शीरो को भी हम टचवुड करेंगे। और हमारे यहाँ जैसे पांव छुए जाते हैं टर्की में, अपने बुजुर्गों के हाथ चूमे जाते हैं और वो बच्चे चूमते हैं। अगर आपने टर्की का एपिसोड देखना देखना फेरिया फेरिया, तो उसमें जब बच्चे अपने बड़ों के हाथ चूमते हैं, इसका मतलब वो उन्हें आदर देते हैं। और हम लोग यहाँ अपने बच्चों का माथा चूमते हैं तो उन्हें प्यार देते हैं, और बच्चे हमारा पैर छूते हैं तो उन्हें में वो सम्मान देते हैं। तो यही है किस डे का मतलब, यही है कि एक दूसरे को टच करना है माथे पर, तो उससे हम लोग अपना प्यार जाहिर करते हैं और बुरी नज़र से बचाते हैं अपने बच्चों को, अपनों को, अपने नियर एंड डियर को। तो आप भी आज एंजॉय कीजिए किस डे, और मनाइए अपने तरीके से। तरीका अलग हो सकता है लेकिन दिन तो हम मनाएंगे। बेगम साहिबा, और आज बचाया मैंने अपने बच्चों को लोगों की बुरी नज़र से, क्योंकि बच्चे जब हो जाते हैं कामयाब तो बुरी नज़रें पड़ने लगती हैं उन पर, तो और बच्चों के पास तक पहुंचने के लिए लोगों को पहले पहुंचना पड़ता है, उनकी माँ के से गुजरना पड़ता है, और माँ आगे अगर खड़ी है तो पॉसिबल नहीं है। सुपर। तो ध्यान रखिए, आप भी अपने बच्चों की उतारिए नज़र, और अपने बच्चों को कीजिए प्यार, वो भी किस डे पर। तो दोस्तों, वेलकम बैक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट देवराज पूत, हमेशा की तरह अपनी शरीकियत के साथ आप सभी का स्वागत। आज किस डे पे एक दिखा रहा हूँ अलग अंदाज, और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एंजॉय दिल से। तो मैं तो हूँ तैयार, और आप? तो दोस्तों, दिमाग से नहीं दिल से सोचिएगा, और जिस दिन दिल से सोचोगे उस दिन माशाल्लाह बहुत मजा आएगा हम सबको मिलके, वो भी दिल से। चलते हैं फिर एक नई मंजिल की तलाश में, एक नई रेसिपी के लिए, वो भी दिल से। एंजॉय दिल से, ये हमारा किस डे दिल से। तो आप भी मनाइए हमारे साथ मिलकर, वो भी दिल से। सुबह के 5:30 बजे बिल्डर गया किस डे का ऑफर अपने मम्मी डैड को चाय पॉइंट से, वो भी दिल से। चाय पॉइंट की चाय मुझे पसंद, क्या नींदों में, और ये लोग करते हैं रात को काम, तो इन्हें भूख भी लगी है, तो इन्होंने मंगाया ऑर्डर में एग क्रोसॉन्ट भी मंगाए हैं 2, और 4 कप चाय मंगाई है। मिस्टर राजपूत पीते हैं चाय, कितने की आती है? 5 रुपए से 10 रुपए का बजट है भाई। और ये चाय है 105 रुपए की एक। अब 4 कप चाय में इनको क्या ऑफ़र मिला मुझे तो बताएंगे नहीं, और एक क्रोसॉन्ट 2 है इसमें। तो बच्चों ने कहा मम्मी आप भी लीजिए, मैं नहीं खाती हूँ बाहर का कुछ भी इतनी जल्दी, सुबह सुबह 5:30 बजे कौन खाता है, लेकिन ये काम कर रहे थे तो खाएंगे, और हम दोनों पियेंगे चाय, और वो भी दिल से। तो ये क्रोसॉन्ट बच्चों के लिए और चाय हम दोनों। तो गाइस, अब बना रही है मिस्टर राजपूत शाम के समय, वो भी किस डे पे दिल से। ये बना रही हूँ मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, पिज्ज़ा मैक्रोनी है ये, और घर में बने हैं दाल और चावल, और गुड़िया नहीं खाती है राइस, और जब भी राइस बनेंगे तो या तो मैगी बनेगी, पास्ता बनेगा, मैक्रोनी बनेगी, तो ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। और अभी घर से काम चल रहा है बच्चों का, वर्क फ्रॉम होम, लेकिन जब ऑफिस जाते थे तो ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था जल्दी में कुछ बना के देने के लिए। मैक्रोनी बहुत अच्छी होती है, सूजी की बनती है ये, और हेल्दी भी होती है, मैगी से थोड़ी अच्छी रहती है। तो मैंने उसको बॉईल किया 1 कप पानी में, और दूध डाला उसमें, और जो उसके साथ पैकेट आता है वो डाला मसाला। स्मेल तो बहुत अच्छी है इसकी। और ये चीज़ का काम करेगा, चीज़ी मैगी ही है कुछ, तो देखिए कितनी क्रीमी बन गई है, ये पसंद है मेरी गुड़िया को, और ये बन के आ गई है। साथ में उसके चीज़ चिप्स वगैरह हैं कुछ, तो ये दूंगी मैं उसे खाने के लिए, और हम लोग
तो गाइस कल है वैलेंटाइन डे और डिनर का टाइम हो गया दोस्तों, और बनाएंगे हम दोस्तों हल्का फुल्का दाल चावल और परौठे। जी हाँ, और घर में बनी है सीताफल की सब्जी, वो नहीं खाएंगे मिस्टर राजपूत। दाल चावल और पराठा लिया है मैंने, सब्जी सजेस्ट की, नहीं खाते हैं। घिया, तोरी, टिंडा, सीताफल, ये सब्जियां नहीं खाते हैं। दाल इनकी पसंद की है, उड़द चने की खा लेंगे, और थोड़े से उसमें राइस भी दिए हैं। पराठा, अचार पूछा, नहीं खाएंगे। सब्जी भी नहीं खाएंगे, हम लोग खाएंगे सीताफल और पराठे, और आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए वो भी। वो भी दिल से, क्योंकि दोस्तों कल है वैलेंटाइन डे और कल का दिन होगा स्पेशल, और कल करेगा फाइनेंस योगी इंस्टिंक्ट। वो भी दिल लगा आज का ब्लॉग आपको हमारा, कमेंट करके जरूर तो बताइए। गाइस आज स्पेशल अनाउंस, जी जो कमेंट आए मेरे पास जी, उनके लिए एक है हमारी सिस्टर जो ब्यूटी का बहुत ही हाँ, वो हीना पासी, हीना हीना पासी, हाँ जी, तो उनके लिए क्या ऐलान है? उनके लिए ऐलान ये है कि आप जाइए, अगर आपको मेकअप का शौक है तो देखिए जी जाके हाँ, कितनी मेहनत तो करती जो हैं। भी लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं वो जुड़ी है हिना खासी हिना से, और आई मेकअप इतना खूबसूरत करती हैं, और आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा उसमें। जाइए और ज्वाइन कीजिए हिना खासी को, और हिना खासी हिना, तो और एक और हमारी सिस्टर हैं पीके नॉलेज, पी के नॉलेज, आज वो तो शॉपिंग भी गई है। जी, और गई यहाँ शॉपिंग पे। और तीसरा नंबर है और तीसरा नंबर एक और है हमारी सिस्टर जी, का सिराज कलेक्शन, जी अगर आप साड़ी का शौक है जी, वो तो लाहौर, जाइए। लाहौर में कितने खूबसूरत कपड़े और बहुत बढ़िया कलेक्शन है। और तीसरा हो गया आप, चौथा चौथा एक और है हमारी सिस्टर जिन्होंने आज कटहल की सब्जी बनाई, लक्ष्मी ब्लॉग ने, मिसेज लक्ष्मी ब्लॉग। और चौथा और पांचवा, पांचवा एक और है हमारी सिस्टर, कोई नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मेरी सिस्टर याद आ गई, श्याम दीवानी जी। तो हो गए हैं पांच। तो श्याम दीवानी जी, आप सभी को हमारी तरफ से माथा चूमती हूँ मैं आप सभी का, और ब्लेसिंग्स देती हूँ आपको वो भी दोस्तों दिल दोस्तों से दोस्तों दोस्तों जी। दोस्तों तो हम मैं सभी को एक जी मिनट रुको यार, एक्चुअली मतलब क्या है, जी मेरा एक नाम मेरी है मेरी एक बड़ी बहन है जो जयपुर में रहती है, और जयपुर का गाना आपको सुनाता हूँ, मारो रंगीलो राजस्थान। और उसके बाद मेरी अब बहुत बहनें हैं और जुड़ गई हैं बहुत बहनें सभी, और जो भी जिनको भी मिस्टर राजपूत कहते हैं सिस्टर, मैं उनको सबको मानती हूँ, अपनी सिस्टर ही मानती हूँ, तो वो भी दिल से। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए वो भी दिल से। और एक, एक, और इस एक, समय हमारे कुछ सब्सक्राइबर आ गए हैं और वो हमें देख रहे हैं, और हम कर रहे हैं शूट, क्योंकि हमारे घर में है नहीं इस समय, देखिए हंस रहे हैं, तो हम उन्हें ज्वाइन करते हैं, तो आपसे मिलते हैं। तो ये लास्ट का सीन मैं आपको बाद में दिखाता जी, हूँ। और एक हमारी सिस्टर और जी शाम दीवानी रीति, हाँ शाम दीवानी रीति को ज्वाइन कीजिए, फैक्ट वाली दीदी, फैक्ट वाली दीदी को ज्वाइन कीजिए, और बाकी बहुत सारे सिस्टर हैं और सभी। तो दोस्तों सारा एंजॉयमेंट, हबीब किचन, सारा एंजॉयमेंट हमारे पास जी, तो ज्वाइन कभी अगर हमसे बोर हो तो जाइएगा किसी और चैनल पे जी, और देखिए इन चैनलों जी, वो भी दिल से, दिल से। वो सभी हमारे सिस्टर हैं और सभी को मैं ब्लेसिंग्स देती हूँ अपने दिल से बहुत बहुत, क्योंकि मेरे अपार्टमेंट की एंट्री है यहाँ से जी, तो और अभी कुछ बाहर लोग वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं लोग, कुछ लोग हमारा, और आ गए हैं अजीम साहब, और तो मिला दे आपको अजीम साहब से। अजीम साहब आइए ना, बताइए क्या है। ये आ गए हमारे अजीम साहब जो हमसे पहले मिलते थे और आज फिर मिल गए, वो भी दिल से थैंक यू। व्यूअर्स को मतलब इतना कम नहीं होता जी, उसे निभाना भी होता, और दीजिए आशीर्वाद अपने नियर एंड डियर को, वो भी हमेशा के लिए जुड़िए उनके साथ और ज्वाइन कीजिए उन्हें। तो जितने भी नए उसमें एक हबीब किचन, फैक्ट वाली दीदी, और युसरा लाइफ, इकरा स्वीट को भूल गई, नहीं मैं बता रही हूँ, इकरा स्वीट लाइफ, और लखनऊ की शान, और बहुत सारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सिस्टर है मेरी, तो
तो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स किस डे पर, और हम ज्वाइन करेंगे आपको और ज्वाइन करवाएंगे एक दूसरे को भी। और भी बहुत सारे नाम हैं जो मैं अभी इस समय शायद भूल रही हूँ, तो वो मैं लिख दूंगी। एक अबूकार चैनल जो हमारे भाई जान हैं जी, उनको भी जी, तो आप सारे मैं उसमें लिख देती हूँ, लिस्ट में जो भी है वो लिख देंगे हम। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, और वो भी एक नए रेसिपी के लिए, वो भी दिल से एंजॉय दिल से।